हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस स्टडी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, आवर फैमिली, जो कि आपकी बुक से रिलेटेड है, ईवीएस की। ठीक है, आवर फैमिली। आप अपनी बुक का पेज नंबर 16 ओपन करिए। ठीक है, फिर आपको वहाँ पर पेज पर मिलेगा ऊपर ही। ये आपको एक लड़की दिख रही है यहाँ पे, ये बात कर रही है। ठीक है, पढ़ते हैं। ये अपने भाई से बात कर रही है। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग सी मी। ये लड़का जो है वो अपनी बहन से पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो सिमी। ठीक है, तो उसकी बहन जा कहती है, इट इज़ माई कज़िन्स बर्थडे पार्टी, ऑल माई रिलेटिव्स विल बी देयर। मेरे चाचा के लड़के का बर्थडे पार्टी है और मैं वहाँ पर, हमारे जो सभी रिलेटिव्स हैं वो वहीं पर हैं। ठीक है, आई टू आई एम गोइंग आउट फॉर अ पिकनिक टुमारो विद माई सिबलिंग्स एंड कज़िन्स। ठीक है, फिर ये लड़का बोलता है कि मैं भी बाहर जाऊंगा कल को अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में। ठीक है, तो ये लड़की बोलती है फिर दोबारा, फैमिली गेट टुगेदर्स आर सो मच फन सैम, वी स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। फिर ये लड़की बोलती है, जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फन करते हैं सैम, हम अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। फिर लड़की बोलती है, एंड मैं वी लव आवर फैमिली। ये दोनों बोलते हैं मिलकर साथ में। ठीक है, आपको ये नीचे एक माइंड एक्सप्लोरर दिया गया है। ठीक है, ये माइंड एक्सप्लोरर ये है आपका यहाँ पे। ठीक है, आपको इसमें ये देखना है, ये मैच करना है कि कौन सी फैमिली कैसी है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है स्मॉल फैमिली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जॉइंट फैमिली और ये लिखा हुआ है लार्ज फैमिली। तो आपको कौन सी लार्ज फैमिली दिख रही है? लार्ज फैमिली हमारी कौन सी हो गई? ये वाली। जॉइंट फैमिली हो गई हमारी ये वाली, और ये वाली हो गई हमारी स्मॉल फैमिली। क्यों? इसमें केवल 3 ही इंसान हैं, इसमें हमारे मम्मी पापा हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम, पेज नंबर 17। इसमें ऊपर से रीडिंग करेंगे, द पीपल हु लिव्स विद अस इन आवर हाउस आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। जो लोग हमारी घर में रहते हैं हमारे साथ, ठीक है, वो हमारी फैमिली का एक पार्ट होते हैं। वी ऑल लिव टुगेदर, शेयर थिंग्स, हेल्प ईच अदर एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। हम सभी एक साथ रहते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, मतलब बिताते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली। ठीक है, अ फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। ठीक है, एक फैमिली कैसी हो सकती है? छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। फादर, मदर, सन एंड डॉटर मेक अ स्मॉल फैमिली। जिस फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन हो, मतलब बेटी और बेटा हो, वो कैसी फैमिली होती है? स्मॉल फैमिली। एवरीवन इन द फैमिली शेयर द वर्क एट होम। सभी लोग जो फैमिली में होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ काम कराते हैं। All the members of family have, जितने भी लोग होते हैं फैमिली मेम्बर, वो सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, दे लव एंड केयर फॉर ईच अदर। वे एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। लव एंड केयर ब्रिंग हैप्पीनेस टू द फैमिली। प्यार और केयर करना फैमिली में हैप्पीनेस लाता है, मतलब खुशियाँ लाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, हम नीचे आते हैं पेज पर। फादर मदर एंड थ्री और मोर चिल्ड्रंस मेक अ लार्ज फैमिली। ठीक है, अगर हमारी फैमिली में फादर भी है, मदर भी है और तीन से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लार्ज फैमिली बोलते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव अ कॉमन नेम। ठीक है, जो एक फैमिली के सदस्य होते हैं उनका कॉमन नेम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरनेम, इट इज़ कॉल्ड सरनेम। ठीक है, जैसे कि कोई जैन लगाता है, गुप्ता लगाते हैं, शर्मा जी लगाते हैं, रेड्डी लगाते हैं और अंसारी भी लगाते हैं। ठीक है, द सरनेम फॉलोज द फर्स्ट नेम। ठीक है, जो सरनेम होता है हमारा वो हमारे जो फर्स्ट नेम होता है उसके बाद लगता है। ठीक है, जैसे इन निकिता फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स आंट्स अंकल एंड कजिन्स लिव टुगेदर। ठीक है, जो निकिता की फैमिली है, एक एग्जांपल लेते हैं, जो निकिता की फैमिली है उसमें उसके दादाजी भी हैं, आंटी अंकल हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो सभी एक साथ रहते हैं। तो शी इज़ अ डॉटर ऑफ विशाल गोयल। तो जो उसके पापा का नाम है, मतलब वो लड़की है विशाल गोयल की। ठीक है, सच अ फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली। तो उस तरह की जो फैमिली होती है वो कैसी होती है, जॉइंट फैमिली होती है। ठीक है, जैसे निकिता की फैमिली में कौन कौन हो गया, दादाजी हो गए, ठीक है, दादी हो गई, मम्मी हो गए, पापा हो गए, मम्मी हो गई, ठीक है, ये भैया हो गए, ठीक है, ये उसके चाचा हो गए, चाची हो गए, चाची की लड़की, ठीक है, ये चाचा का लड़का। तो ये जो पूरी फैमिली है ये कैसी फैमिली हो गई हमारी, जॉइंट फैमिली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 18 ओपन करिए अपनी बुक का। नो योर रिलेशन। हम अपने रिश्ते को जानेंगे कि हमारे जो मतलब जो लोग होते हैं मम्मी पापा से जुड़े हुए वो हमारे कैसे कैसे रिलेशन में आते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर, लेट अस नो आवर रिलेटिव्स। जो हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, चलो उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, आवर फादर्स पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, जो हमारे पापा के पेरेंट्स होते हैं, मतलब मम्मी पापा होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, आवर मदर पेरेंट्स आर आवर मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। जो हमारे मम्मी के मम्मी पापा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं हम उनको, जैसे दादा हो गए और दादी हो गए, और मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे हम नाना और नानी को। ठीक है, आवर फादर्स और मदर्स ब्रदर इज़ आवर अंकल। जो हमारे मम्मी के और पापा के भाई होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अंकल होते हैं। और जो मम्मी आवर फादर और मदर सिस्टर इज़ आवर आंट। और जो मम्मी या पापा के बहन होती हैं वो हमारी क्या होती है, आंटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अंकल्स वाइफ इज़ ऑल्सो आवर आंट एंड आंट्स हस्बैंड इज़ ऑल्सो आवर अंकल। जो अंकल की वाइफ होती है, मतलब अंकल की जो पत्नी होती है वो भी हमारी आंटी ही लगती है, और जो आंटी के पति होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, अंकल। मतलब जैसे कि अंकल की वाइफ मतलब चाचा की जो पत्नी होती है वो हमारी क्या लगेगी, चाची लगेगी हिंदी में, तो चाची बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंटी ही बोलते हैं। ठीक है, और जो आंट मतलब जो आंटी होती है, जैसे बुआ जी और मौसी जी का जो पति होंगे वो क्या लगेंगे, हमारे फूफा जी और मौसा जी, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम उनको अंकल ही बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नीचे पेज पर, ये माइंड एक्सप्लोरर है आपका। ठीक है, माइंड एक्सप्लोरर है। अब यहाँ पे ये आप अपने मम्मी पापा की मदद से करेंगे इसको। ठीक है, फादर ऑफ योर मदर, आपके जो मम्मी के जो पापा हैं वो क्या लगेंगे, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो क्या लगेंगे, वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, मदर ऑफ योर मदर
और फादर, ठीक है, जो आपकी मम्मी और पापा की जो मदर हैं वो क्या लगेंगी, वो लिखना है आप पे आपको, ठीक है। ये आप अपने मदर फैमिली से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे, असम स्पेशल फैमिलीज आल्सो। यहाँ पर कुछ मतलब वर्ल्ड में, संसार में कुछ स्पेशल फैमिली भी होती हैं, ठीक है। अ फैमिली इन विच द चाइल्ड चिल्ड्रन लिव्स विद हिज और हर वन पेरेंट इज कॉल्ड अ सिंगल फैमिली, ठीक है। आपने सुना होगा कि किसी बच्चे को तो केवल मम्मी है या किसी बच्चे को केवल पापा हैं, तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके मतलब एक सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब या तो मम्मी होती है या पापा होते हैं, तो ऐसी फैमिली को क्या बोलते हैं हम, सिंगल पेरेंट फैमिली, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, माही पेरेंट्स डिड नॉट हैव देयर ओन चाइल्ड, ठीक है, जो माही के पेरेंट्स हैं उनका खुद का कोई बच्चा नहीं है, दे एडोप्टेड माही फ्रॉम द ऑर्फनेज, ठीक है, उन्होंने माही को गोद लिया है एक अनाथालय से, दे ट्रीटेड हर एज हर ओन चाइल्ड, ठीक है, वो उसको अपना खुद का बच्चा मानते हैं, ठीक है, एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ ऑल हर नीड्स, और उसकी सारी ज़रूरतों की प्रॉपर केयर मतलब कि ध्यान रखते हैं, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, दे लव हर वेरी मच, और वो उसको बहुत ही प्यार करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, पेज नंबर 19, फैमिली एंड फन, ठीक है। फैमिली एंड फन, फैमिली मीन्स हमारा जो फैमिली होती है और फन मीन्स मस्ती, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर लाइक फ्रेंड्स, जो हमारे फैमिली के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स की तरह ही होते हैं। दे प्ले, लाफ, वॉच टेलीविजन एंड स्पेंड देयर टाइम टुगेदर, ठीक है, वे एक साथ खेलते हैं, हंसते हैं, टीवी देखते हैं और टाइम भी एक साथ ही स्पेंड करते हैं, मतलब बिताते हैं, ठीक है। जैसे आपने देख रहे होंगे ये पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में, वॉच टेलीविजन, एक साथ देख रहे हैं ना पूरी फैमिली। गो फॉर पिकनिक, घूमने जाते हैं, ठीक है, डाइन आउट या खाना खाते हैं एक साथ, ठीक है, आप अपनी बुक में चेक आउट करिएगा। फैमिली मेंबर शेयर जॉय एंड शोरोज, जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के साथ खुशियाँ और गिफ्ट्स बांटते हैं। दे सेलिब्रेट फंक्शन एंड फेस्टिवल टुगेदर, वे एक साथ फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो जैसे बर्थडे पार्टी हो और फेस्टिवल जैसे दिवाली होली हो, वो एक साथ मनाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, हेल्प मदर इन किचन, ठीक है, जो बच्चे होते हैं या कोई भी हो वो अपनी मम्मी का किचन में हेल्प कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेंड टाइम विद ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादी और दादा के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आते हैं, हेल्प ईच अदर, जो एक फैमिली होती है वो अब एक दूसरे की हेल्प करती है, जैसे फैमिली डज नॉट मीन ओनली फन, जो हमारी फैमिली है उसका मतलब केवल ये नहीं होता कि हमेशा ही मस्ती करती रहे, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प ईच अदर एंड लुक आफ्टर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी साथ में समय बिताएं। ये आपको पिक्चर में कुछ काम दिख रहे होंगे जो करने चाहिए, वाटर प्लांट्स, ठीक है, पौधों को पानी देना चाहिए, फीड द पैट, हमें दे जो मतलब पैट होते हैं उनको भोजन कराना चाहिए, खाना देना चाहिए, कीप द हाउस क्लीन, जो हमारा घर है उसको साफ रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो आवर फैमिली, ठीक है।
अगर आपको हमारी ये जो वीडियो है अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। हमारे चैनल का नाम है स्पॉटलेस स्टडी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।